दो के आसपास कुत्ते अंदर आए तो कुत्ते तोड़ रहे इधर उधर से थे। उन्होंने फोन पे सूचना दी, एक बॉडी बच्चे की बॉडी मिली है। राजस्थान के सिरोही जिला चिकित्सालय में एक माह के मासूम को कुत्ते उठा के ले गए और उसको नोच करके खा गए। यह हृदय विदारक घटना राजस्थान के उस सिरोही शहर की है जहां के विधायक संयम लोढ़ा राजस्थान के विधानसभा में सर्वाधिक मुखर नजर आते हैं सरकार के पक्ष में। वे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं और अक्सर दावा करते हैं कि राजस्थान सरकार में अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, लेकिन सिरोही के जिला अस्पताल में सुरक्षा के लिहाज से सामने आई इस वारदात ने यह साबित किया है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लोग सुरक्षित नहीं हैं। कुमार मीना गांव सेना पिंडा पाली तहसील बाले और पिंगड़ा में मैं किराए के मकान से रहता हूँ। मैं और यहाँ पे स्लिप कोस की वजह से मैं यहाँ पे कल दोपहर में मैं यहाँ पे आया था और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे मैं एडमिट हुआ और यहाँ पे मेरे बच्चों को सुलाया और मैं घर वाले और रात को 12 बजे तक तो ये जगती रही। उसके बाद में इसको कमर हमारे दर्द हो रही थी क्योंकि महीना बंद नहीं हुआ डिलीवरी में, तो इसको दर्द होने लगा था। इसने थोड़ी बहुत आँख बंद कर ली। 1 बजे 1 के 2 के आसपास कुत्ते अंदर आए और उसको उठा के लेके चले गए मेरे बच्चे को यहाँ से। फिर मेरी आँखें खुली, मैंने बोला बच्चा कहाँ है, तो बोला कि मेरे को पता नहीं बाहर जाके देख तो कुत्ते तोड़ रहे इधर उधर से। तो ये दौड़ के आए, इन्होंने लोगों को बाहर भेजा तो कुत्ते ने सर धड़ धड़ कर दिया, हाथ पैर सब इन्होंने छुड़ाया। फिर डॉक्टर उन्होंने को बुलाए, फिर वहाँ से उसको सब इकट्ठा किया थोड़ा थोड़ा इकट्ठ के। फिर डॉक्टर साहब यहाँ पे आके बोले कुछ नहीं, तुम्हारे सब कार्रवाई करेंगे। तो मैं ठीक है, मेरे बच्चे को इकट्ठा करके अंदर रखो, कहीं भी लेके जाओ, मेरे को बिना पूछे कहीं लेके जाना मत, मेरे को पूछना। तो यहाँ से सुबह हम बैठे थे और इसको बोला मैं खाना लेके आ जाए, तो यहाँ से खड़ी थी, यहाँ से बाहर से क्या मैंने फिर उसने इसको बाहर से इशारा किया तो ये चली गई। इसको पता नहीं था, चक्कर आ रहे थे दिन में, गोली लेके यहाँ से निकली। तो वहाँ से लेके क्या मैंने कहाँ गए और ये अब इसको यहाँ से भेजा वहाँ से, तो ये अब भाई इसको पता भी नहीं कहाँ लेके गए कि मेरे को पता भी नहीं गया इसको अंतिम संस्कार के लिए लेके गए, मेरे को बताया भी नहीं कि अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे। तुम सब मुँह तो दिखा देते, इतना तो उनका फर्ज था। हाँ बोले स्लिप कोस की बीमारी है, लेकिन मरा तो नहीं ना, जिंदा हो अभी। इसको 12 बजे मेरे कमर दर्द कर रही थी, गोली लेके फिर थोड़ी देर आराम कर रही थी। फिर 12 बजे बच्चे को उठा तो दूध पिला रही थी, फिर उसको सुला दिया। 3 बजे से पास में सो रहे थे और थोड़ी देर बाद आँख लग गई और पता नहीं चला 1-2 बजे कब बच्चा लग गए। उधर उधर देखा तो दिखाई भी नहीं दिया बच्चा। फिर इन्होंने वहाँ पे सबको उठा दिया, देखा बाहर जाके कि कुत्ते झगड़ रहे आमने सामने, बच्चे को पूरा बिगोड़ दिया। सुबह क्या हुआ? और फिर सुबह मैं उठी तो पता नहीं बाहर कौन था, वो आवाज़ मारी तो मैं उन्हों के पीछे पीछे गई, पता नहीं कि ये क्या लेके जा रहे मेरे को। फिर बाद में पता चला कि ये तो वहाँ पे संस्कार करने वहाँ लेके जा रहे। एक खाली पन्ना भी था वहाँ, उस पर मेरे को साइन करवाया उन्होंने। आपका नाम? रेखा। फिर वहाँ संस्कार करके आगे फिर यहाँ थाने में लेके गए, ये भी पता नहीं था कि मेरे को थाने में लेके जा रहे। रात को 3 बजे ड्यूटी पर जो चिकित्सक थे उन्होंने फोन पे सूचना दी कि एक बच्चे वार्ड से मिसिंग है और एक बॉडी बच्चे की बॉडी मिली है। तो उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल आए और बच्चे की बॉडी देखी थी, मोर्चरी में रखवाई, सुबह PM करवाया और क्या घटना हुई उसके लिए अभी जांच के लिए कहा है। जांच और फुटेज देख के फिर आगे बता सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सर बताया जा रहा है कि बच्चे की माँ करीब थी, उससे कोरे कागज़ पर साइन करवाए, मेरे को जानकारी नहीं। और बच्चे का पोस्टमार्टम करवा दिया गया उनकी माँ बाप की इजाज़त के बिना? नहीं, वो जो पोस्टमार्टम हुआ होगा उससे पहले उनसे परमिशन ली होगी, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं। सर भाजपा के और स्थानीय लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। PMO साहब आएंगे और वो जांच उतना जांच भी आ जाएगी, जो भी कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ, अगर कोई दोष पाया जाता है तो कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे।